सिद्धार्थ पासवर्ड त्रिवेदी से का बोल रहा रहा। हूँ। मुझे मुझे फीलिंग थी कि जितने भी नए प्लेयर्स हैं ना, क्योंकि मैं इंडिया खेल चुका था, तो मुझे जी मालूम था कि बिल्कुल सब बिल्कुल, वो आप लोग वो लेवल निगाहें, देखते हैं। हाँ निगाहें मेरे ऊपर हैं, लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, कई लोग मुझसे बात भी करते थे कि कैसे करना है, क्या होगा। पर मैं सही बताऊँ, IPL 2008 में यूसुफ, मैंने ये टूर्नामेंट को इतना सीरियसली लिया ही नहीं। मैं अपनी दिल का सच्ची बात बता रहा हूँ, कि राइट पहले कभी राइट हमने राइट खेले नहीं इस फॉर्मेट में। हमने कहा क्या, जाके शॉट मारना है, विकेट कोई विकेट की परवाह करता नहीं कोई, तो हमने इतना सीरियसली जी लिया बिल्कुल नहीं। पर जब हम जीतने लगे, जब जीतने बीच में लगे मोमेंटम बिल्कुल बन गया कि यार हाँ, जिस तरह से माहौल हो गया, एटमोसफियर, भीड़ और लोग नो आपके बारे में बात करने लगे कि यार राजस्थान रॉयल भी कोई टीम है, बीच के टूर्नामेंट में लगा कि नहीं यार, ये तो ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें बिल्कुल, ये सभी इंजॉय टूर्नामेंट कर रहे बहुत हैं, आपके बेस्ट फैमिली के लोग इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल लेडीज बिल्कुल, लेडीज इंजॉय कर रही, पूरा मैच फैंस देखती हैं, 3 घंटे का बिल्कुल मैच है, फैन फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई थी। बीच में रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ इसमें अगर हम अच्छा करेंगे तो लोग इस टूर्नामेंट को याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे टूर्नामेंट बिल्कुल। आगे जाके ये टूर्नामेंट ऐसा बन गया यूसुफ कि लोग इस टूर्नामेंट को ही खेलना चाहते हैं, और चाहते हैं बिल्कुल कि इससे ही इंडिया टीम में नाम आए उनका, और वो होता भी है। जैसे आपका भी इंडियन टीम में बिल्कुल नाम आज, आया, जडेजा जडेजा का बहुत फायदा हुआ उस लेकिन टूर्नामेंट से। भाई साहब, हम लोग जब इंडिया के लिए खेले या ये आईपीएल भी खेले, तो हम लोग का एम हुआ करता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है। आज आज एम दूसरा है कि आज अगर कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को भी अभी बोले तो उसका एम ये रहता है कि आईपीएल खेलना है ताकि हम इंडियन टीम में आए। तो इतना बड़ा वो टूर्नामेंट हो गया है। हम लोगों का एम रहता था कि आप जैसा मैंने पहले भी कहा कि इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, और मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि आईपीएल कैसे होगा, क्या होगा, शॉर्ट शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है, कैसा होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन वही है कि जिस तरह से आपने कहा कि बीच में जब हम आए, जब बीच के टूर्नामेंट जब जीतने लगे, हम लोग हमारे हमारे बारे में बात होने लगी, उसके बाद हम सभी ने उस चीज को और सीरियस लिया और उसको हम लोग इंजॉय करने और ज्यादा इंजॉय करने लगे। तो ये चीज काफी और कुछ प्लेयर्स को बनाया और इंडियन क्रिकेट का पूरा तख्ता ही बदल दिया इसने। वो 2008 के बाद पूरा इंडियन टीम का तख्ता ही बदल गया आईपीएल ने। तो आपको आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप भी इतने साल IPL खेले, आपने हैदराबाद के लिए बहुत साल खेला, आपने अच्छा खेला, और वहाँ हैदराबाद भी चैंपियन हुई बीच में एक साल, वहाँ भी आपका काफी नहीं रोल था। हैदराबाद, मैं कलकत्ता, नहीं कलकत्ता में मैं 7 साल खेला नाइट हाँ राइडर के लिए, कलकत्ता के लिए 7 साल खेला। हम लोग 2 बार चैंपियन हुए, गौतम गंभीर कप्तान था। अच्छा, वहाँ पे साल बहुत करेक्ट, हाँ बढ़िया 2 साल, बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत बढ़िया कप्तान। बहुत जिस तरह से शेन वॉन अपने प्लेयर्स को बैकिंग करता था, उसी सिमिलर वो मुझे उसके अंदर भी देखने मिला कि वो भी अपने प्लेयर्स को बैक करता था और प्लानिंग अच्छे से करता था। हमेशा अपने जो भी आसपास रहते थे, जो भी कोचिस या जो भी स्टाफ या जो भी प्लेयर्स, हर किसी से बात करना और नॉलेज लेते रहना। लेकिन फील्ड के ऊपर जब जाता था तो उसको जो ठीक लगता था तो वही वो करता था, और उसमें सक्सेस हमेशा उसे भी मिली। और बहुत बहुत अच्छे से उसने 7 साल टीम को बनाया और टीम को ऊपर लेके गया। KKR पहले 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, उसके बाद 7 साल जब हम लोग क्रिकेट खेले एक साथ, तो वो 7 साल में हम लोग 2 बार चैंपियन चैंपियन बने, कई बार हम लोग क्वालिफाई किए और कई बार हम लोगों ने हाँ अच्छी क्रिकेट की। बहुत सारी अच्छी यादें KKR के साथ रही है मेरी। और 2 साल में सनराइजर्स के लिए खेला, और सनराइजर्स के लिए खेलते हुए पहले साल ही हम लोग फाइनल में पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली वहां पे मैच नहीं जीते। अगेन वहां पे फाइनल में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 44 रन भी किए अगेंस्ट चेन्नई, और काफी अच्छे रिस्पेक्टफुल स्कोर हम लोगों ने खड़ा किया था। लेकिन अगेन शेन वॉटसन ने बहुत अच्छा बैटिंग किया उस मैच में, फाइनल मैच में, तो मैच हम लोग जीत नहीं पाए क्योंकि CSK ने काफी अच्छा कमबैक किया किया था ड्यू टू शेन वॉटसन। तो इस 12 साल में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत जो फैंस क्रिकेट को प्यार करते हैं तो उनका प्यार देखने को मिला बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्रिकेट। और
जब भी एयरपोर्ट पे जाए, तो कहीं पे भी एयरपोर्ट पे हो या कहीं पे भी खड़े हो, तो हमेशा प्लेयर प्लेयर्स के पास आके फैन बात करते हैं और आईपीएल के बारे में बात करते हैं, आईपीएल के बारे में पूछते हैं, तो काफी अच्छा लगता है वो सारी यादों को ताजा कर कर। वैसा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब हम फाइनल मैच जीते और फाइनल जो हम लोग का पार्टनरशिप हुआ था 30 रन का, राइट, तो जब आपको चोट लगी, जब आप अस्पताल से आए, तो आप क्या सोच रहे थे कि आप बैटिंग में आ गए? क्योंकि वो टाइम पे जब आप क्रीज पे आए तो लोग नहीं, किसी ने नहीं सोचा था कि आप बैटिंग में आओगे, क्योंकि आप बैटिंग करने को नहीं, मुझे लगा नहीं कि लगा ही नहीं था कि बोलेगा बैटिंग, नहीं क्योंकि मैं तो बिल्कुल कंकशन में था, मेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल हाँ आप बिल्कुल हाँ ऑलमोस्ट बेहोश था मैं जब उसने आपको कहा, जब आपने नहीं तब मैंने कहा कि अब मैच फंस गया, मतलब शायद आराम से मैच जीत जाएंगे, जब मैच फंस गया तो फिर उसने मुझे पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। और ये राइट यहाँ नीचे ना घुटने के पास मुझे उस टाइम ये 7-8 टाके, घुटने में भी चोट आई थी, हाँ बिल्कुल घुटने भी चोट आई थी, 7-8 टाके लगे थे, तो मैं मुझे था नहीं कि मैं पता नहीं कैसे, मुझे दिमाग तो काम नहीं कर रहा है और मैं कैसे भागूंगा, तो मैं फुली फिट था ही नहीं बिल्कुल, पर मैच फंस गया, फाइनल मैच था तो फिर जाना पड़ा खेलने के लिए। जी 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 नहीं आप आपने आप उसी उसकी आपने जो बैटिंग आके किया, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, आप फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग थे, बहुत फिट थे, फील्डिंग में वो नजर आता है, लेकिन आपने मेंटली भी बहुत फिट थे कि आपने वहां पर आके बैटिंग किया। नहीं अपनी तो पूरी लाइफ हमारी ये, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो एक और देखो यहाँ पे तो मेंटली स्ट्रॉन्ग फिजिकली स्ट्रॉन्ग की बात हो गई, मेरे को ये बताओ कि वो चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट मैच हुआ तब क्या हुआ था, वो क्रैम्प आ रहे थे आपको हाथ में तब क्या हुआ था? वो देखो मेरे लाइफ में 3-4 चीजें ऐसी हुई है इरफान, एक तो ये फाइनल की बात कर रहा है, जो हमारा आईपीएल का फाइनल था वहां बिल्कुल बुरा हाल था, मैं खत्म था बिल्कुल खत्म, और वो तुमने जो बात करी 2004 की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां तो इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि मैं मेरी उंगलियों में क्रैम था, सीधा कर रहा था ऐसे, इतना क्रैम्प आ गया था मुझे। इसका एक्सप्लेनेशन सबसे बढ़िया कौन बता रहा था पूरी टीम में, कौन गेस करो? युवराज सिंह। अच्छा यूवी से बेहतर कोई नहीं बताता कि भाई साहब को क्रैम्प आया था और उसको बेसिकली इमिडिएट करके बताना है, आप बेसिकली एक हाथ को संभाल रहे थे, अबे अबे इधर संभाल रहे हो तो पैर जा रहा है, पैर को संभाल रहे हो तो दूसरा हाथ आ रहा है, हाथ संभाल रहे हो कमर में कहीं टाइटनेस हो रही है, पेट में क्रैम्प, पहली बार देखा है कि मैं अगर ऐसा होगा तो मेरे पेट में क्रैम्प था, मैं सोचा यार यहाँ भी क्रैम्प, उंगलियों में क्रैम्प, और मुझे ये भेज रहा है बैटिंग करने को, वहां जॉन राइट साहब थे, बोले बैटिंग करने जाओ, इसका दिमाग वाग ठीक है कि नहीं, मैं यार सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और ये बैटिंग में तो यार आप नीचे बैठे हुए थे, आपने नीचे बैठे हुए, आप चेयर पे भी नहीं बैठे थे, आपने कोना पकड़ा, आपने दोनों पैर खुले छोड़े, आपने बोला हवा आने तो मेरे पास कोई नहीं आएगा और आप संभालने की कोशिश करें। आई थिंक उससे जबरदस्त और फनीएस्ट इंसिडेंट और जो नजारा था मैंने कभी नहीं देखा आपके साथ, वो बहुत अखर, वो टाइम पे फनी नहीं लग रहा था, आज पीछे मुड़ के देख रहे तो फनी लग रहा है, क्योंकि वो टाइम पे तो आप खेलने में फोकस रहते हो, आपको पता होता है यार जाके लड़ना है, वापस बैटिंग करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके जाने के बाद आपने क्या किया था, स्टेप आउट होके आप मारने जा रहे थे, गंदा शॉट तो मारेगा ना उस टेस्ट मैच में, पर वहां भी मैं हॉस्पिटल घूम के आ चुका था, वहां मुझे वो ड्रिप लगाया गया था हॉस्पिटल में, बड़ा बुरी हालत थी वो, और जो लोग हमें सुन रहे हैं मैं इनको बोलूंगा कि भाई आजकल के भी नौजवान लोग हैं जो मैच से पहले ना घंटों बैटिंग करते हैं, मैच से पहले, वही मैं भी कर रहा था, मुझे दिक्कत नहीं आई कि मैंने इतनी बैटिंग कर ली मैच से पहले, इतना नर्वस था कि यार मुझे मौका मिला है उसको रन बनाने, आउट नहीं होना चाहिए मुझे, तो मैंने खूब बैटिंग करी, और चेन्नई की गर्मी पता है आपको कैसी होती है गर्मी चेन्नई में, पूरा मैं मैच से बैटिंग से पहले ही बर्न आउट हो चुका था, और ब्रेकफास्ट किया था मैंने थोड़ा सा फल
और थोड़ा कॉन्फ्लेक्स थोड़ा 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 जैसे आप हमेशा बोलते हो यार, थोड़ा थोड़ा ये ले आओ, थोड़ा वो ले आओ, और थोड़ा थोड़ा करके जो होता है ना पूरा बुफे बनता है। मैं उस दिन वाकई थोड़ा खाया था, क्योंकि इतना नर्वस था कि यार बैटिंग करनी है और जाके मुझे ग्राउंड पहुंच के पहले पैड डाल के मुझे बैटिंग नेट पे करनी है, फिर मैच में करूंगा। तो मैं जल्दबाजी में बहुत कम खाया और 40-45 मिनट तक मैं नेट पे बैटिंग करी और फिर मैं मैच में खेलने गया, तो हालत तो वही खत्म हो चुका था, मैं आधा उधर खत्म हो चुका था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो लोग ये करते हैं बहुत ज्यादा बैटिंग। मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ भाई साहब इसमें, एक और चीज माफ करिएगा, लेकिन एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अभी तो क्या हो गया ना, अभी अप्रैल और मई का महीना हो गया आईपीएल का। आईपीएल में मैक्सिमम अगर डबल हेडर भी होते तो 4 बजे मैच स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है शाम को, जब ठंडी हवा चलती है, गर्मी का ये पूरा पीक मौसम रहता है। पहले की वो जो टाइम है ना, जो टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे इमेजिन करो, और आज चेपक का जो स्टेडियम है ना उसमें खुली हवा आती है, वो खोल दिया गया है, पहले कॉन्क्रीट का था पूरा बंद, ठीक है, स्टेडियम पहले पूरा बंद। और इमेजिन करो समर का पीक महीना और आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। मुझे याद है मैं अगर बोलिंग करता था उस टाइम पे दिलीप ट्रॉफी खेल रहा हूँ अप्रैल मई के महीने में, सुबह 9 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है और आपको 4-4:30 बजे तक मैदान में रहना है। मैं खुद अपने सर से लेके यहाँ, देखिए कैप बदलना नहीं पड़ता लोगों को, आज आईपीएल के जमाने में हम बाकायदा कैप भी बदलते थे, 4 टी-शर्ट एक दिन में बदलते थे, कच्छे बदलते थे, सॉक्स बदलते थे, यहाँ तक इतनी गर्मी होती थी। तो वो टाइम में पसीना इतना होना और कैंप होना लाजमी था, इतना आसान नहीं था। जब जो इंसान वैसे यार मैंने आपका स्टेटमेंट सुना कि हमारे जमाने में यूयो टेस्ट अगर होता तो कैफ बालाजी और किसका नाम लिया था, हम क्या करते भाई, चने बेच रहे थे हम यार बताइए हम यूयो टेस्ट नहीं खत्म करते, आपके साथ अगर कोई लगा रहता था भागने में तो कौन होता था जरा बताइए। देखो बालाजी का याद है कि मैं 16 करता था और बालाजी 15 के आसपास पहुंचता था, या तो हम भी पहुंचते थे ना 15-16 के बीच में। टीनू योहानन, वो भी काफी फिट था, वो बहुत भागता था। तुम्हारा एमआरएफ ही बंदे ना बालाजी, एमआरएफ में, इरफान पठान एमआरएफ में, मैं उन्हीं बंदों को नोट कर रहा हूँ जो 15 के आसपास थे। तुम 15 के आसपास, मैं तो 15.5 था यार, निकालो जो भी है हिस्ट्री में जो लिखा हुआ होगा ना वो। तो मैं 15.5 करता था भाई साहब, और चेन्नई की गर्मी में हमारे ट्रेनर हुआ करते थे रामजी, रामजी को बुलाओ। और रामजी सर का क्या था ना कि पूरा सीजन ट्रेनिंग करवाते थे, लेकिन अगर वो जो साल में 3 बार कैंप हुआ करता था और उसमें फॉरेनर्स बहुत आते थे, अब उनको भी दिखाना है कि भाई हमारे फॉरेनर्स आए हुए तो हमारे बच्चे कम नहीं है। तो हमें याद है हमको बाकायदा 25-25 मिनट में, 20-20 मिनट में 5-5, 6-6 किलोमीटर भगाते थे। और वो भी क्या होता था ना, वो क्रिश्चियन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ पे पूरी तरह से जो बड़ी जो जगह थी हमें कॉलेज के चक्कर लगाते थे, वहाँ पे रोड भी आता है, वहाँ पे खराब जगह भी आती है, लेकिन आपको खत्म करना है और दिखाना है कि आपने 20-25 मिनट में जो भी है 6 किलोमीटर आपने खत्म किया है। यार वो खत्म करते थे यूरो टेस्ट किया यार, 15.5 तो रेगुलर करता था बाकायदा। हमारे अगर फिजियो ट्रेनर देख रहे हैं ना, प्लीज गवाही दीजिए इसमें, बाकायदा मैं करता था, भूल कैसे गए यार। बिल्कुल, और मैं बोलूंगा कि एमआरएफ का बंदा और रामजी उसका ट्रेनर हो, वो हो ही नहीं सकता कि 15 के नीचे आए या 16 के नीचे आए यार, हो ही नहीं सकता। इरफान एक चीज बताओ, कौन ऐसा प्लेयर था जो 12 के नीचे करता था? 12 के नीचे बहुत प्लेयर थे बहुत थे। देखो दादा वो एक्चुअली एक लेवल था ना कि 12 या 13 करना है आपको मिनिमम, तो वो जैसे ही मिनिमम होता था वो खत्म हो जाते थे। दादा भी होते थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते थे जो जितना मतलब जितना मैच खेलना है, जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी ठीक है उतना करते थे, बाकी ग्राउंड पे रन बना लेंगे। पासिंग मारते पहुंच जाओ 33 नंबर मिल जाए 100 में से। हां अभी प्रैक्टिकली तो ग्राउंड पे ही करना है, 70 यार्ड में ही करना है, 72 यार्ड में ही करना है, तो वहीं पे करेंगे। लंबा इनिंग खेलना है, टी तक खेलना है, लंच तक खेलना है, पूरा दिन खेलना है। एक चीज और पूछूंगा इरफान से, यूसुफ मैं तुमसे पूछता हूँ, ये इरफान सोशल मीडिया के अलावा घर पे कितना टाइम बिताया इस लॉकडाउन में? पूरा टाइम घर पे ही था वो, मैं तो उसको सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ 3 महीने सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ 3 महीने। हाँ इरफान अब आ गया घर पे कब था ये? घर पे ही था, ये घर के बाहर नहीं निकला है यार, ये गार्डन तक
बहुत मुश्किल से निकला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चार दीवारियों में था, ये इसके रूम से जब नीचे से जाता था इसके रूम में, तो इसके रूम से इसको नीचे लाने के लिए फोन करना पड़ता था, किसी को भेजना पड़ता था। यार मैं मेरे लड़के को भेजता था क्या, बेटा अयान जाओ देखो चाचू को बुला के लाओ, गुड्डू भाई को बुला के लाओ देखो। अच्छा इतना क्लेवर है, इतना क्लेवर है, क्या करता है मालूम है, अगर मेरे को उठाना है कोई काम है तो मैं क्या करता था, मुझे सुना है तो मैं दोनों फोन बंद करता हूँ, बिल्कुल स्विच ऑफ करके, तो कोई फोन ना करे, रूम का फोन भी साइड पे, रूम का फोन का भी वायर निकाल दिया। तो ये क्या करता है, दोनों बच्चे, आप बच्चों को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अयान और रयान को कौन बोलेगा, तो क्या करके मेरे फ्लोर पे भेज के जोर जोर से बच्चों को बोलता चिल्लाओ, बोले खेलो तुम खेलो, आवाज आएगा और भाई को उठा दो, उठ के मैं बाहर देखूं ये लोग खेल रहे हैं, मैं समझ जाता था कि भाई ये किसकी कारिस्तानी है, फिर तो नींद टूट गई, फिर आगे नीचे आना ही पड़ता था कैसे भी करके। अब इसमें क्या स्टार्ट किया है पता है, अब घर में सात रूम है, सात बेडरूम है, सिस्टर का भी रूम है, अब्बा का भी एक अलग रूम है, अरे भाई साहब को पता नहीं है बेडरूम कितने, चलो आगे चलो आगे चलो, चलो। यही आप सोच सकते हो, ये अभी छुप जाता है कौन से रूम में किसी को पता नहीं है, अब ये जाके सो जाता है रूम में, किसी को पता नहीं है कहाँ है, यानी आप कहीं पे भी भेजो इसके रूम के बाहर भेजो तो इमरान बाहर आता है या तो सलमा बाहर आती है, इमरान बच्चे ढूंढ रहे हैं गुड्डू भाई कहाँ है, तो गुड्डू भाई मिली नहीं, पता नहीं कहाँ, कभी होम थिएटर में सो गए जाके, यहाँ पे बच्चे आएंगे नहीं। भाई साहब जिस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके खाने बुफे खाने का शौक है ना हर रोज, वैसे मुझे नींद का बड़ा शौक है, नींद बड़ी जरूरी चीज है, और ये लॉकडाउन में बहुत मुश्किल है भाई, इसको नीचे हॉल में लाना बहुत मुश्किल रहा है, और बीच में रमजान आ गया, रमजान मुझे मालूम है इसका क्या रूटीन रहा होगा, ये सोता होगा फजर की नमाज पढ़ने के बाद, 5:30 ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोता होगा, उठता होगा जोहर से थोड़ा पहले 1:45 के आसपास, जोहर की नमाज पढ़ी पूरा, ये इसका 1:30 बजे नीचे आता था, मैं गेस कर रहा हूँ 1:30 बजे नीचे आता था, 1:45 बजे नमाज, अब्बा ने बोला था कि 1:00 बजे नमाज, हाँ अब्बा बोलते थे 1:00 बजे नमाज, ये बोले नहीं 1:00 बजे नहीं 1:45 बजे, ये कभी कभी 2:00 बजे आता था, हम दोनों बैठे हम दोनों बात कर रहे अब्बा। मस्जिद अलग, ग्राउंड अलग, बस अलग, लॉकडाउन का टाइम है और घर अलग, घर में इबादत कर रहे हम लोग तीन लोग, क्यों रुक जाओ यार, मगरिब की नमाज खड़े हो जाओ, चलो वो अभी तक आया नहीं, वुजू कर रहा है, चलो खड़े हो जाओ, लेट हो रहा है पसर में कहा है दो जन, अरे टाइम हो रहा है, चलो कहाँ गया वो, बाथरूम गया, बोला नहीं नहीं चलो खड़े हो जाओ। बीच में फिर हमने आखिर में क्या किया, तो मगरिब का टाइम फटक से चला जाता है, इफ्तार हुआ, इफ्तार पढ़ो, इफ्तार आपने थोड़ा कर लिया और तुरंत आपको नमाज पढ़नी, नहीं तो वो टाइम चला गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। नहीं, अब्बा क्या करते थे, हम लोग खाना खा रहे हैं, अब्बा उठ के जब निकल रहा है तब नमाज पढ़ने के बगल वाले रूम में चले गए, खड़ी करते थे नमाज, हमने आखिर में कहा किया, मैं भाई को इशारा करता था, मैं कहा भाई चलो अब्बा खा रहे हैं, हमने सब हुआ नहीं गया, इशारा किया मैं निकला, यहाँ अजान हुई हम लोग सीधे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, नमाज खड़ी कर दी है, देख रहे हम लोग भी हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अब्बा को देख रहे हैं, अभी कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई साहब आप तो अभी लॉकडाउन में फिर एक जगह बैठते हैं, फिर आपने कैसे निकाला ये लॉकडाउन? भाई एक सेकंड का टाइम नहीं हुआ मुझे, मुझे मिला नहीं बोर होने के लिए, एक सेकंड का टाइम, बच्चे साथ में ना, बच्चे साथ में क्यों ऐसा क्योंकि हमने किसी को बाहर से बुलाया नहीं, ज्यादा घर में हम ही लोग हैं, बस बच्चे वाइफ और सबका यही हाल है, पर आप लोग ज्यादा लोग हो ना घर पे, हमारे यहाँ सिर्फ 4 लोग है, 2 बच्चे और मियां बीवी, वो भी है, तो सारे काम खुद करने पड़े, बोर बिल्कुल नहीं हुआ। तुम मुझसे सवाल बाद में करना, मैं सवाल करूंगा, अब 5 मिनट बचा, 5 मिनट सुना मेरी बात, करिए प्लीज, प्लीज। दो सवाल करूंगा, पहला सवाल, हाँ। तुम दोनों भाई, हाँ।
ये यूसुफ तो ठीक है, तुम्हारी जो पंगे होते हैं लाइफ में, जब भी तुमने क्रिकेट खेली है तुमने इतनी पंगे किए हैं, इंडियन टीम में हो चाहे रणजी के मैच में हो चाहे, तो वो यूसुफ तुम्हें कैसे कभी ऐसा लगा कि यार इरफान पठान मेरा भाई है पर ये लड़ाई बहुत करता है सबसे, कभी समझा? मुझे तो रोज लगता है पर ये फास्ट बॉलर है फास्ट बॉलर है, आप फास्ट बॉलर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो इसका दिमाग उठने में है क्या? नहीं नहीं, इसका दिमाग उधर ही है, सही जगह पे है, लेकिन तेज है ये देखो है ना, तेज है। आप क्या बोलने वाले हो, मैं क्या बोलने वाला हूँ, जब शेन वॉन कप्तानी करता था ना कि वो एक दिन पहले या दो दिन पहले प्लानिंग करता था, इसका ऐसा है कि आप क्या बोलने वाले हो तो पता नहीं, पता चल जाता कि ये चीज बोलेगा इस पे अटैक करूंगा मेरे से, और उसका वही रहता है और मेरे साथ ये पूरा रंधा लड़ता रहा। हाँ, ये लड़ाई बहुत करता है, बहुत लड़ाई करता है, पूरा रमजान ये मेरे साथ लड़ता रहा है। अच्छा, जिससे आप प्यार कर उससे लड़ते थे नहीं? मैंने इसको बोला अभी मुंबई में रोड सेफ्टी खेल बनने का, भाई तुमने जो पुरानी लड़ाई किसी से कर रखी है अब खेलना खत्म हो गया, लोग रिटायर्ड हो गए, अब तो जाके दोस्ती कर लो। कहता नहीं, एक बार लड़ाई कर ली तो लड़ाई जिंदगी भर की। पठान है ना? हाँ हाँ, पठान है ना, पठान है, मोहब्बत की तो बोले मोहब्बत की या इससे इसके लिए जान दे दूंगा। हाँ, इसका वैसा है, मेरा भी वैसा ही, लेकिन मोहब्बत की तो मोहब्बत की, इसके साथ मेरी अनबन हो गई थोड़ी सी भी तो इससे मैं बात नहीं करूंगा, वो तो है, वो क्वालिटी है इसमें। देखो, जो आपको दिखेगा वही है, मतलब ये नहीं है दो दो चेहरे, डबल रोल नहीं, दो चेहरे नहीं, जो इधर है वो है। अब अगर कोई चीज से, अगर किसी चीज से नाराजगी है तो भाई एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेस किससे करेंगे, जिससे मोहब्बत। अभी भाई साहब आपसे अगर कोई नाराजगी होगी तो आपको मैं बिंदास बोलूंगा भाई साहब ये गलत हो गया, और आप भी एक्नोलेज करोगे, आपको भी पता है यार इतने साल, अभी बचपन से आप मुझे जानते हो, आप मुझे कितने सालों से जानते हो, एमआरएफ में हम लोग पहली बार मिले थे, लड़ाई झगड़ा फैमिली में ही होता है, और जिससे मोहब्बत करते हो आप उससे झगड़ा भी करते हो, मतलब कि लॉकडाउन में हम दोनों भाई साथ में है या हम दोनों बाप बन गए, भाई के दो बच्चे, मेरा एक बच्चा, हमारा तीन बार झगड़ा हो चुका है, और तीन बार कम बोल रहा है, पूरा रमजान लड़ा है, तीस रोजे आप दोनों बात करे थे तो 600 700 इसका सोशल मीडिया वाला भाई ये, अच्छा ये देखो इरफान एक बात है, यार नंबर के लिए इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर रहा हूँ, क्या फॉलोअर नंबर ऐसे नहीं, यूसुफ पठान यूसुफ पठान को मैंने इसीलिए बुलाया यूसुफ पठान को कि ये आज वो दिन है, आज हम जीते थे 2008 में, मैंने इरफान पठान के साथ इंस्टाग्राम लाइव नहीं किया, देख लो अभी तक मैंने यूसुफ के साथ किया है। अच्छा बोलो, तुम बोलो, सच बोलो, हाँ सच बोलो, हाँ सच, 7:25 को क्या हुआ था आज? अच्छा नहीं बोला तो बात को जाने दो, तो तुम भी आ जाना क्योंकि यूसुफ पठान हम आधे घंटे बात करेंगे, यूसुफ वैसे भी कम तो मैं तो राजस्थान के लिए खेला नहीं। हाँ, मैं तो राजस्थान के लिए खेला ही नहीं। हाँ, क्योंकि आपसे मुझे ये पूछना था कि 2008 में हम जब जीते तुम भी उस टाइम आईपीएल खेल रहे थे और हमारी बड़ी कमजोर टीम थी, हम जीत गए, तुम्हारा क्या फीलिंग, तुमको क्या लगा कि भाई इसमें इस टीम में इतना नाम वाम तो था नहीं फिर भी चैंपियन हो गए, तुम्हारी क्या फीलिंग थी? इसलिए मैं तुमको बुलाया, इसीलिए सवाल के लिए। अच्छा, यही सवाल के लिए बुलाया था मैंने वो भी 15 मिनट के लिए, एक ही सवाल असली बात तो देखो जो समझने वाला वो समझ गया होगा, लेकिन जाने दीजिए। अभी 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 दूसरी बात जो आपने जो सवाल पूछा ना, कि देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात इन द सेंस कि मैं भी चाहता था और हमारी टीम ठीक ठाक मजबूत थी, युवराज कप्तान, हमारी टीम में बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे, यू नो श्रीलंकन अच्छे प्लेयर थे, ब्रेटली था, महिला संगा, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे नाम थे। अब हुआ क्या उसमें कि हमारा काम सेमीफाइनल में खत्म हो गया, हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए, तब तो फॉर्मेट अलग था ना, और हमें ये मैच देखने गया था मैं। हाँ, और मेरा ये था कि जब फाइनल था तो मेरे पेरेंट्स मैदान में थे, मैच देख रहे थे,
और हमारे लिए बेसिकली मैं हूँ या नहीं, हमारे घर में तो ट्रॉफी आनी है, आनी है और आनी है, लेकिन ट्रॉफी तो घर में आई ना। कई बार ऐसा हुआ यार, आज अगर तुम आज देखो यार, दोनों भाइयों ने मिलकर हम लोग रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन चुके हैं, हम लोग T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुके हैं, 2011 50 ओवर का वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुके हैं। IPL चैंपियनशिप मुझे पर्सनली नहीं मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो घर में चैंपियनशिप आई हुई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आ चुकी है। होता क्या भाई साहब कि आपके भाई भी सैफ भाई क्रिकेट खेलते थे, मतलब आज हो ही नहीं सकता अगर सैफ भाई को अचीवमेंट हो और आपको खुशी मिले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, सो सेम चीज है, जब चैंपियन बने आप लोग मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि वो टाइम पे बहुत लोग बात करते थे, देखो भाई रिएक्ट नहीं करेगा, पर मैं जहन में रखता था ये बात कि यार आज जब मेरे भाई का ऑक्शन में हुआ तो बहुत लोगों ने बोला था यार ऑक्शन में इसको बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, ये तो अभी ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है, सिर्फ एक वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, उसको आप इतना पैसा दे रहे हो, और ये पहले ऑक्शन की बात है जो इतना पैसा नहीं था, पर वो मुझे मालूम है कि इसका वैल्यू क्या है, व्हाट वैल्यू ही होल्ड्स, और उसने दिखा भी दिया सबको। तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। और हम ग्राउंड पे आए नहीं आए, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे भाई ने एक बार न्यूजीलैंड के सामने अकेला मैच जिताया था, 123 नॉट आउट बनाए थे, वो मैच मैंने ग्राउंड से देखा था छुप के, मैं ग्राउंड में आया था बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि मैं कैमरा भी नहीं आया, मैं चुपचाप न्यूजीलैंड में बैंगलोर में महेंद्र भाई के बगल में बैठा हुआ था नीचे वाले लॉन्च में, और वहां से मैं ग्राउंड से मैच देख रहा था, भाई को मैन ऑफ द मैच मिला, यहाँ तक कि मैं छुप के भी वो मैंने देखा और उसके बाद में गया, तो और कभी भी आज तक किसी को पता भी नहीं वो मैच देखने आया था, क्योंकि मैं लाइमलाइट में था ही नहीं, उसमें कैमरा में था ही नहीं। मैं इसको पूछा भी, तूने मैच देखा, बैटिंग देखा मेरा? हाँ, बोले स्टेडियम में बैठा था। मैंने क्या बात कर रहा है, स्टेडियम में बैठा था, तो बोले हाँ मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। सो वो टाइम पे मैं एनसी में था, मुझे चोट लगी, हाँ, वो मैच देखा था, उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका में 100 बनाया, उसके बाद वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप में 2 इनिंग 3 इनिंग के बाद वो वापस नहीं खेला, उसके बारे में कभी और बात की जाएगी, लेकिन जो 2008 का था ना, इतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग बात थी हमारे लिए, क्योंकि बैक टू बैक चीजें हो रही थी, वर्ल्ड कप जीत चुके थे, अब आईपीएल घर में आ रही थी ट्रॉफी, तो बहुत प्राउड मोमेंट था भाई साहब, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी भाई के लिए, लेकिन उससे ज्यादा खुशी हो रही थी मेरी पेरेंट्स के लिए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने, वालिदैन ने देखा हुआ था ये बात कि आज मैं घर पे क्रिकेट खेलता था, मैं इंडिया खेलता था, मेरा बड़ा भाई है, तो लोग मतलब वो चाबी देने वाले, थोड़ा परेशान करने वाले लोग रहते हैं। इरफान के बहुत सारे मैचेस उन्होंने स्टेडियम में जाके देखे, इरफान ने बहुत अचीवमेंट उसने किए जो पेरेंट्स के सामने थे, अम्मी अब्बा के सामने खेलते हुए, क्योंकि अम्मी अब्बा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, इरफान ने पाकिस्तान में हैट्रिक ली, या उससे कहीं जितने भी मैचेस देखे पाकिस्तान के देखने के लिए, पाकिस्तान के साथ अच्छा परफॉर्मेंस इरफान ने किया, वो सारी चीजें देखी दूसरी बड़ी बड़ी टीमों के साथ, तो ये मोमेंट बहुत बड़ा था उनके लिए। मैं मेबी फाइनल मैच खेल रहा था राजस्थान के लिए, भले वो टूर्नामेंट बड़ा नहीं हुआ था वो टाइम पे, लेकिन जैसा हम लोगों ने बोला कि बीच से ही वो माहौल बन गया था और हम लोग फाइनल खेल रहे थे, पूरी फैमिली के लिए हमारे पूरे घर में एक ऐसा था माहौल के हम दोनों भाई खेल रहे वो मैच, इस तरह का माहौल हम लोगों के लिए था, और अम्मी अब्बा वहाँ पे खेल रहे थे, अम्मी अब्बा आई थिंक जम्मू घूमने कश्मीर घूमने गए थे, कश्मीर घूमने गए थे, और वहां से इरफान ने सारे अरेंजमेंट किए थे, और हमारे जो ओनर थे उन्होंने भी सारे अरेंजमेंट किए थे कि नहीं मम्मी अब्बा को यहाँ पे बुलाना है, बड़ा प्यार करते थे मनोज बदाले, ये अरेंजमेंट तो भाई 8 से 10 घंटा लग गया था उनको फ्लाइट में वापस आने में, डायरेक्ट फ्लाइट मिल नहीं रही थी, तो डायरेक्ट फ्लाइट जब मिलती नहीं तो आपको वाया वाया जाना है, और मेरे मम्मी अब्बा इतने थके हुए थे मुझे याद है, लेकिन फिर भी वो फिर बाद में ग्राउंड पे मैच देखने गए, क्योंकि आप मैच देखने जाओ और वालिदैन को थोड़ा डायबिटीज का भी इश्यूज और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद सारी चीजें थकान साइड पे, और भाई जब मैच जीत के आया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों थके हुए, तो बहुत प्राउड फीलिंग था, मोमेंट भी जबरदस्त था, बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल पूछो, नहीं दो ही सवाल, मेरा एक सवाल है आप, मेरा एक सवाल है, हां पूछो, मेरा एक दोस्त है, ये फोन पे सवाल लिख के आया है, सवाल करता है, आप ये बताइए सवाल लिख के, मैं नहीं नहीं आरआर का मेमोरेबल आपका कौन सा ऐसा इनिंग जो है मेमोरेबल जो आपको अभी भी याद है, राजस्थान का कौन से प्लेयर का या कौन से मैच का किसी का जो इनिंग आपको अभी भी याद है? नहीं मेरी अपनी इनिंग याद है, खेली थी मैंने, छोटी सी इनिंग थी, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी? वो यूसुफ, वो था हमारा थर्ड मैच था, डेक्कन चार्जर्स से मैच था, हमने शायद 217 रन चेस किए थे, और वो हम लोग ने, हां वो हमारे टूर्नामेंट का वो टर्निंग पॉइंट था, अगर बिल्कुल, मैंने 51 रन किए थे 21 बॉल में, आप ओपन किए थे शायद उस मैच में,
बिल्कुल बिल्कुल 21 बॉल में 50 किए थे, 50 बनाया था आपने, हाँ बताइए आप उसका। मैंने 16-17 बॉल पे कुछ 32 मारे थे बिल्कुल बाद में जाके, और वो मेरे ख्याल से उस टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो हाई स्कोरिंग गेम जब जीतता है बंदा, जब 200 के ऊपर चेस करता है, तो फिर 200 के ऊपर चेस किया था, हाँ वो टीम का माहौल बिल्कुल बदल गया था उस मैच के बाद, बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता कि 20 ओवर में 200 रन कोई चेस कर सकता है। बिल्कुल उस टाइम पे 200 रन तो बहुत बड़ी बात है ना, तो और आपके पास इतना हेवी बैटिंग भी नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है 34 रन नॉट आउट अभी सेल्स, अभी 34 नॉट आउट अभी सेल्स, आपने 34 नॉट आउट किए थे। हाँ वहाँ वो गलती से इरफान लास्ट में आई थी, सेम ने छक्का मारा था, छक्का ही छक्का मारा था बिल्कुल लास्ट ओवर में, शायद 16-17 रन चाहिए था, वो हम शेन वॉन ने मैच जिताया था जाके लास्ट ओवर में, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था वो, हाँ बहुत बहुत फंसा हुआ मैच था, और वो पूरा सीजन हम लोग ऐसे ही मैच खेले थे, बहुत इंटरेस्टिंग मैच खेले हम, सारे मैच फंसे हुए थे, सारे मैच फंसे हुए थे, सारे मैच, इवन द फाइनल जो हम जीते वो भी बहुत अप्स एंड डाउन था, कभी सीएसके के फेयर में, कभी हमारे फेयर में, कभी वो जीत रहे कभी हम जीत रहे, लास्ट बॉल तक मैच गया, और वो हम सभी एक दूसरे का सक्सेस बहुत एंजॉय करते थे, मजा आया था एक दूसरे का सक्सेस बहुत एंजॉय करते, किसी ने रन बनाया तो उसकी वो खुशी, और फन ये शेनवॉन ने बहुत बैक किया प्लेयर को, बहुत बैक किया जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा कि वो बैक बहुत करता था अपने प्लेयर, उसने बोल दिया था तुम्हें खेलना है तो पूरा टूर्नामेंट खेलना ही है, तुम चाहे अच्छा करो चाहे नहीं करो, जडेजा को बोल रखा था, मुझे बोला, यूसुफ को बोला, सबको बोला कि यार बहुत उसने बैक किया, और उसकी प्लानिंग में कोई ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, कभी पहला ओवर यूसुफ डाल देगा, कभी कभी सुहेल तनवीर को उसने बाद में डिस्कवर किया कि यार ये थोड़ा फ्लैट फुटेड है, इसकी बॉल मारना बड़ा मुश्किल है, तो लास्ट के दो ओवर वो करता था 17वां 19वां या 20वां जो भी उसको मिलता था, तो वो बहुत उसको जो उसकी जो प्लानिंग थी वो उस टाइम पे बहुत आगे थी, ऑलरेडी वो खेल के आया था, और पूरा श्रेय ही शेन वॉन को जाना चाहिए, उसने टीम बिल्ड करी, बहुत चेंजेस किए, बहुत यहाँ वहाँ किया उसने, बिल्कुल उसको स्वप्निल आसनोटकर को ओपन करवाया ग्रैंड स्पीड, ग्रैंड स्पीड के साथ स्वप्निल आसनोटकर को कौन कितने प्लेयर जानते थे, कोई नहीं जानता था, हाँ बिल्कुल उसको भी ओपन करवाया, छोटा सा प्लेयर नए प्लेयर्स जो हम लोग नए प्लेयर, मैं तो खेल के आया था, आप लोग जो नए प्लेयर थे वो आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के उनको हराना, क्योंकि और जो टीमें थी उनके पास सब अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर थे, बड़े बड़े प्लेयर थे, उनके साथ खेलना और उनको हराना बड़ी बात थी वो। हाँ जी, और दूसरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था आपका? यार अब तुम ना स्टार स्पोर्ट्स इरफान जी रेडी है, इसको स्टार स्पोर्ट्स ले जाओ, अब तैयार है भाई, अभी नहीं, ये तैयार है नहीं अभी थोड़ा क्रिकेट बाकी है, क्रिकेट खेलना है, हाँ करेक्ट करेक्ट, क्रिकेट खेलेंगे उसके जो भी है कितना भी है थोड़ा खेलेंगे, उसके बाद शॉर्टर फॉर्मेट से खेल सकते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट अभी डोमेस्टिक में भी लॉन्गर फॉर्मेट नहीं लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट से जवाब दे दो, हाँ जवाब, क्या सवाल क्या था आपका, बेस्ट प्लेयर या कौन आपको कौन लगता है कि आपका बेस्ट प्लेयर था टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट में, हाँ मैन ऑफ द मैच था फाइनल का यूसुफ पठान, 3 विकेट लिए थे याद है, हाँ हाँ यूसुफ पठान 3 विकेट और 50 रन बनाए थे आपने, बड़ा फंसा मैच था, और मैन ऑफ द सीरीज था शेन वॉटसन, यस यस बिल्कुल तो आपके हिसाब ये तो था ही नहीं, आपके हिसाब से पूरी टूर्नामेंट में आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगा पूरी टीम में सिर्फ 11 नहीं 15 में, क्योंकि बाहर जो बैठे होते हैं उनका भी बड़ा रोल रहता है, यू नो सिर्फ 11 खेलते हैं वैसा नहीं है कि बाहर जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी रहते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, 11 तो सिर्फ वहां पे खेल रहे होते हैं लेकिन जो बैकिंग मिलता है जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स का वो भी बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको क्या लगा कि इरफान ये आधे घंटे का शो अगर इसको मिलेगा ये अपना टीवी पे तो एक क्वेश्चन ने 15 मिनट निकाल देगा, इसको टीवी का शो अभी नहीं मिलने वाला, इसको बोलो तैयार नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना मैं तैयार नहीं हूँ, अभी बोल रहा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ इसीलिए बोल रहा मैं तैयार नहीं हूँ यार देखो आदमी जब पानी में जाता है ना वो तैरना सीख जाता है,
हाँ ये बात लेकिन अभी खेला अभी ये आराम से खेलेगा तो बताइए ना यार मेरे लिए तो पूरा जो टूर्नामेंट का मेन शेन वॉन ही था कैप्टन कोच मेंटर उसने जो मीटिंग ली स्विमिंग पूल पे मीटिंग करना डिनर खाते हुए मीटिंग करना उसने कभी वीडियो कैमरा नहीं चलाया लंबी मीटिंग नहीं एक मिनट की मीटिंग होती तो वीडियो कैमरा वाले को तो साइड पे कर जाता है तेरे को कुछ दिखाने का नहीं कोई कोचिंग नहीं कोई कुछ नहीं इरफान वार्म अप में जो आपके ट्रेनर होते हैं ना कोन वोन लगा के सजाते हैं उसने बोला कोन वोन हटाओ आगे जाओ अप एंड डाउन लैप मारो थोड़ा हाथ वाथ घुमाओ सीधा नेट पे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना वो अलग ही लेवल पे थिंकिंग लेके आया था ये जो लेके आया था ना कि हम लोग देखा करते थे जब पहली बार आईपीएल हुआ था तो एक यूनिक चीज शेन वॉन लेके आए थे वो ये था कि वार्म अप एकदम टॉस के पास पहले क्या होता था ना हम लोग जब टॉस के पास बिल्कुल टॉस एकदम टॉस से पहले या टॉस के बाद जो 8 बजे मैच स्टार्ट हुआ था 7:30 के आसपास तो बच्चों को ज्यादा थकाना नहीं है उनकी रिकवरी पे ज्यादा ध्यान देना है और इंडिविजुअल वार्म अप ये स्टार्ट किया था ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ही करते थे मैंने पहली बार वो चीज को देखा था 2003-04 में जहाँ पे स्टीव वॉ की जो टीम थी वो इंडिविजुअल वार्म अप करती थी और हमें लगता था कि यार ये टीम में यूनिटी नहीं है लेकिन जब खेलते थे तो ऐसा तगड़ा होकर खेलते थे तो हमारे यहाँ उसका मतलब जो मायना है वो अलग है कि यार आप साथ में रहो तो यूनिटी रहती है नहीं साथ में खेलना वो यूनिटी है सबसे ज्यादा बेहतर बाकी डिफरेंसेस तो रहेंगे वो एक कमाल की चीज रहती थी वॉन्ट लेके आए थे और वो दिखाया भी था कि भाई मैं इसके साथ ही ये टीम को सक्सेसफुल कराऊंगा और कराया भी चलो फिर आप इरफान थैंक यू सो मच चलो अच्छा मैं एक और सवाल करूंगा ये यूसुफ ये अभी मुझे मिला मुंबई में रोज सेफ्टी टूर्नामेंट खेलने आया था बढ़िया बॉल स्विंग कराया और लास्ट से मैच जिताया छक्के मार के बहुत बढ़िया और इसने ले लिया रिटायरमेंट तो यार ये क्या है मतलब अच्छा खेल रहे फिर भी खेल छोड़ दिया तुमने भाई साहब ऐसा है कि 2-3 साल से ना ऐसा लग रहा था लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई इरफान को नहीं लेना सी ऐसा नहीं कि बॉल मेरी घूम नहीं रही थी जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था मुश्ताक अली में मैं जब जम्मू कश्मीर के लिए भी खेला तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा बैटिंग में मैं कवर्स पे ईशान शर्मा को छक्के लगा रहा हूँ नवदीप सैनी में मुश्ताक अली की बात कर रहा हूँ नवदीप सैनी को मैं पुल पे छक्का मार रहा हूँ नवदीप सैनी इंडिया का भी फास्टेस्ट क्रिकेटर है फास्टेस्ट बॉलर है ठीक है मैं रेगुलर अच्छे परफॉर्म कर रहा हूँ रणजी ट्रॉफी में जाके एक ओवर में मैं 4 छक्के लगा रहा हूँ रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ मैं और बॉलिंग में भी मेरा बॉल बराबर पैडों पे लग रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं पे नाम नहीं आ रहा कुछ नहीं है इसका मतलब आपके पास सीधा सिग्नल है कि आप घर पे बैठो और बार बार आप अगर इसके बाद भी पुश करते हो तो उसमें होता क्या है होता ये भाई साहब कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हो ना उसके बाद भी मैं खेला 3-4 साल ऐसा खेला जहाँ पे जान लगाई 2016 में हाईएस्ट विकेट टेकर था मुश्ताक अली में हाईएस्ट रन स्कोरर था थर्ड या फोर्थ नंबर पे जिसके साथ 160 का मेरा स्ट्राइक रेट था कहीं पे भी नाम नहीं आया उसके बाद भी आप खेलते रहते हो एक तो आपकी रिस्पेक्ट कम होती है दूसरा आप किसी की जगह मारते हो आज मेरा रिटायर होने का रीजन भी ये था मैं जम्मू कश्मीर में खेल सकता था लेकिन वहां पे मेरे 2-3 ऐसे फास्ट बॉलर है एक राशिद सलाम है एक मुश्ताक अली जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जिनको मुझे खेल लगाना था और उसको खेल लगाया उसे डेब्यू में 5 विकेट में निकाला तो लड़के भी तैयार कर लेना आपको आपको खेलना है बिल्कुल खेलना है अगर मुझे बोला जाए कि अभी खेलो मैं बिंदास खेल सकता हूँ अभी भी मैं खेल सकता हूँ और अच्छे अच्छे ये जो आजकल जो ऑलराउंडर बन के बैठे सबको साइड पे कर सकता हूँ लेकिन वो अभी होना नहीं है वो रियलिटी नहीं है पर रियलिटी आपको समझनी है कि सिग्नल क्या मिल रहा है बात क्या है और उसके हिसाब से आपको चलना है जरूरी नहीं आप सिर्फ खेल के ही कंट्रीब्यूट करो बिना खेल के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो मैं कर रहा हूँ पर हो सकता है 1-2 साल खेल के भी बहुत कंट्रीब्यूट किया और अभी नहीं खेल के भी बहुत सारी चीजें कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है और दूसरा ये जिस तरह से इरफान ने कहा कि लोगों ने जहन बना लिया और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर में ये माहौल बहुत जल्दी बना लेते हैं कि यार ये बस प्लेयर के लिए इतना है इतना ही उसको मिलना चाहिए बल्कि आप जब आप बाहर देखे ओवरसीज इंग्लैंड में देखे या कहीं और ऑस्ट्रेलिया में देखे तो आपके फर्स्ट क्लास में क्रिकेट खेल रहे हैं तो 35 है 36 है 38 है 39 ईयर्स का भी जो प्लेयर है वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और परफॉर्मेंस कर रहा है और ये एक होना चाहिए कि अगर कोई परफॉर्मेंस कर रहा है तो व्हाई नॉट वो यंगस्टर उससे सीखे मेंटोरशिप करे टीम के लिए और प्लेयर तैयार करे वो टीम के लिए कितना बेहतर है ये चीज हमको लानी चाहिए यहाँ पे ये कल्चर इंडिया में होना चाहिए क्योंकि अगर आपका जो भी 38, 39, 40, 42 एज का प्लेयर
अगर उतना एफर्ट देता है जितना यंगस्टर एफर्ट दे रहा है ग्राउंड पे फील्ड पे, तो वो चीज हमारी टीम के लिए, जो भी लोकल टीम के लिए खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, तो वो टीम के लिए बेनिफिट है, वो एसोसिएशन के लिए बेनिफिट है कि आप उसको यूज करें, उसको यूटिलाइज करें, उसका एक्सपीरियंस यूटिलाइज करें कि किस तरह से वो एफर्ट कर रहा है टीम को जिताने के लिए, यंगस्टर दूसरे जो भी यंगस्टर है उनको तैयार करने में उसका क्या रोल है, वो सारी चीजें देखनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और एप्रिसिएशन मिलना चाहिए इंडियन प्लेयर को। ये किसी ने लिखा यहाँ पे कि सारंग बालराव सारंग वॉर्नर लेट आरआर 839 एंड वन द आईपीएल, तो ये तो इंसाइक्लोपीडिया है ये सारंग जो है जिसने लिखा है, क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया है, उसको सब पता है। तो देखिए एज तो कैसा है कि एज तो होने वाली है, रियलिटी है, पर अगर आप फिट हो और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो यू शुड कंटिन्यू प्ले, पर अगर दरवाजे ही बंद कर देते तैयार की अपनी इज्जत अपने हाथ में है, रणजी ट्रॉफी उसमें ना उस टीम में आशीष विशन जैदी, रिजवान शमशाद, ज्ञानदर पांडे, ज्योति यादव, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर थे, बहुत साल से खेल रहे थे, मैं पहली बार कप्तानी कर रहा था और नए थे, जैसे रैना, चावला, प्रवीण कुमार, आमिर हमारा विकेट कीपर आमिर था, तो ये जो एक्सपीरियंस नहीं, पर उसमें ना जो तजुर्बेकार प्लेयर है उसको उनका रोल होता है बहुत, इसीलिए उनको खेलना जरूरी था, अगर वो नहीं खेलेंगे तो नए प्लेयर जो युवा प्लेयर है तैयार नहीं होंगे बिल्कुल। तो कई बार हम उस टूर्नामेंट में फंसे है जहाँ ज्ञानेंद्र पांडे ने 80 बना दिए, कभी रिजवान शमशाद ने जाके बाद में मैच जिता दिया, तो जैदी इतना एक्सपीरियंस है, पीछे शलभ श्रीवास्तव थे उनके, वो सीख रहे जैदी के साथ, ये एक्सपीरियंस और जूनियर का जो साथ है ना वो हमेशा होना चाहिए, तभी आपकी टीम बनती है और प्लेयर को फायदा होता है। इरफान सही बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन भाई साहब कोई रंज नहीं है, तो खुश है, ऊपर वाले का बड़ा एहसान है, कोई गम नहीं है, कंट्रीब्यूट करते थे, करते रहेंगे और वो चलता रहेगा, वो जो भाई घर में 7 कमरे बन गए, अब क्या गम है, कहीं भी छुप जाओ, इरफान छुप नहीं पाएगा, खाली क्रिकेट खेलना ही कंट्रीब्यूट थोड़ी है, क्रिकेट के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करने के लिए, मुल्क को आप कितने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप पर्सनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लोगों की आप हेल्प कर सकते हो जिसमें लोगों को पता ना हो, आप कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अगर पॉलिटिक्स में नहीं भी आए लड़कों को मोटिवेट कर सकते हो, लड़कों को कितना हेल्प कर सकते हो आप, आज अगर आज कोई भी इंडियन क्रिकेटर है जिसको सही से हेल्प की जरूरत है, आपने एक मैसेज डाल दिया उसके साथ थोड़ा बहुत सेशन कर लिया, क्या आप हेल्प नहीं कर सकते, किसी को फील्डिंग की जरूरत है, ये कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, और जेन्युइनली अगर किसी को वाकई में किसी की बोलिंग में रिस्क गिर रहा है, किसी की सीम बराबर नहीं आ रही है, आज जितना एक्सपीरियंस है, मेरी एक्शन अच्छी थी, खराब हुई, वापस आई, मुझे चोट लगी, चोट के बाद रिकवरी करी, मेरा रिस्क गिरने लगा एक टाइम पे, रिस्क उसको सीधा किया, सीम थोड़ा टेढ़ा जा रहा था उसको वापस सीधा किया, तो ये तो मेरे पॉकेट में ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, उसके बाद भी कमबैक करना इंडियन टीम के लिए और 5 विकेट निकालना, बहुत बड़ी बात है, वो सारे एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, वो किसी को फायदा हुआ, किसी एक बंदे को भी फायदा हो जाएगा, तो कंट्री के लिए तो कितनी बड़ी बात है। आज अगर किसी को फील्डिंग में है किस तरह से टाइम लगाना है आप बताते और बताते रहेंगे, ये कंट्रीब्यूशन ही है ना, और क्या, और कोई भी है तो टाइम कैसे लगाना है तो वो मोहम्मद कैसे सीखना है फील्डिंग, तो इरफान को मैंने इतना सिखाया, तुम तो सीख नहीं पाए फील्डिंग उससे, पता नहीं ऐसे कैच पकड़ते ऐसे इतनी बार बोला भाई हाथ साथ में रखो, ये ऐसे करना है। एक मिनट, आप ये मानते हो कि वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर्स में से एक हूँ अगर बोलर्स की बात करें तो, मानते हो कि नहीं मानते हो? आप देखो, चेक करो, आप कोई भी सवाल करो ऐसे सीखते हो आप, जैसे कि नहीं मतलब अभी इंडियन टीम में ऐसे, हाँ सेफेस्ट था, करेक्ट बराबर। अब ये जैसे ये बात हो गई यार, इरफान पठान की पेस कम हो गई, अबे बेटे वो जो बैट्समैन है जो तुम्हारे बड़े बड़े तुम्हारे बाप बन के बैठे वो मेरे पैड पे उनकी गेंद लग रही है वो आउट हो रहे हैं तो तुमको पेस से लेना है या विकेट ले रहा है रिजल्ट से लेना देना है, बात तो वही हुई ना। इवेंचुअली मैं ऐसा पकड़ू कैसे आपका सेशन शायद ऑफ था या कुछ था,
तो मैं ऐसे पकड़ने की कोशिश करूँ मेरे कैच छूट रहे, मेरे साथ लक्ष्मण भाई थे, तो लक्ष्मण ने पूरा सेशन देखा कुछ बोले नहीं, ठीक है इतना। मैं क्या, हाँ कि लक्ष्मण भाई मेरे को बोल रहे कि इरफान तुम कोशिश कर रहे हाथ सीधा करने की। मैं क्या, हाँ लक्ष्मण भाई कोशिश कर रहा हूँ, भाई साहब ने भी बोला है, वो मेरे पीछे पड़े रहे थे और मेरे को ये ठीक करना है, वो बोल रहे कि शायद तेरे को चोट लग सकती है और चोट लगी हुई है। मतलब अगर आप देखें ना तो ये स्टिचेस वगैरह है यहाँ पे, ये स्टिचेस, ये मेरे कैच पकड़ने के तरीके से भी हुआ है, फट जाता था, मैं फटा चार ऐसे पकड़ने के, लेकिन मैं ऐसे ही पकड़ पाता था। लक्ष्मण भाई ने मुझे पकड़ा, कहते इरफान जैसे तू बचपन से कैच पकड़ता है तू वैसे ही पकड़, नहीं तो कैच छूटते रहेंगे। तो फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया, फिर मैंने कहा यार जो भी टेक्निक है यही है, इसके साथ ही हमें कैच पकड़ना है। तो ये असली रीजन था। एक 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 तरफ मोहम्मद कैफ तुम्हें फील्डिंग के बारे में बता रहा है और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी आपको बता रहे हैं फील्डिंग के बारे में, तुमने उनकी बात मानी? स्लिप की फील्डिंग और डीप फाइनलिंग बहुत फर्क है यार, मिड ऑफ पे नहीं खड़ा होता था मैं, ये तो आखिरी के कुछ साल माहौल बन गया था कि यार शॉर्ट फाइनलिंग से शॉर्ट फाइनलिंग जाओ, आखिर में तुम लेके जाते यार मिड ऑफ जाना है, जाते चले जाते। अच्छा आपने बोला था कि एक सवाल, अब दो सवाल आपने पूछ लिए, और कुछ बाकी? बस अब जाने का टाइम हो गया, मैं ये सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम में लाइव कट क्यों नहीं रहा है, डेढ़ घंटा हो गया यार। पहले यूवी के साथ किया था पहला इंस्टाग्राम लाइव किया था, वो अपने आप 50 मिनट कट गया। मैं कहा ठीक है शायद टाइमिंग ऐसी होती होगी, तुम्हारे साथ इरफान पठान जब से आया है ये पता नहीं कहां से अलग से आप भंडा लेके आए हो। सही बात है, एक घंटा होता है कट जाता हो। अच्छा नाजिक आती है, देखो जाते जाते ना, जाते जाते आप एक बार मुझे बता दो या तो मैं बताऊं हमारे दर्शकों को कि आप खाने का ऑर्डर कैसे करते हैं। मुझे याद नहीं, तुम ही बताओ। अच्छा तो भाई साहब ऑर्डर करेंगे, हाँ। सबसे पहले हम बैठे सामने, अरे भाई साहब इधर उधर, तो वेटर साहब आएंगे, खाने में क्या है? जैसे मुझे पता क्या लगता था कि मैं कैफ के साथ नहीं बैठा हूँ, मैं आमिर खान के साथ बैठा हूँ यार। तो वेटर भी इंतजार कर रहे थे, हाँ सर बोलो। दाल ले आओ बाउल में, सब्जी ले आओ थोड़ी, चिकन ले आओ, मटन ले आओ थोड़ा थोड़ा ले आओ, रोटी ले आओ, हाँ वो घूमेगा, अरे सुनो रोटी में बटर लगाना। हाँ सर। फिर वो दो तीन स्टेप और चलेगा, फिर भाई साहब कहेंगे एक काम करो, तो ऐसे देख के थोड़ा सा अब उसको थोड़ा सा परेशानी हो रही, वो आएगा सर क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे स्प्राइट ले आना, स्प्राइट घूमेगा। और भाई साहब आपने पूरा मंगा लिया, पूरा आपने प्लेट में खाना मंगा लिया, और मजाक नहीं करता उसमें से आधा खाना बाकी रह जाता था, आप पूरी स्प्राइट भी खत्म नहीं करते थे और पूरा खाना हमेशा का ऑर्डर रहता था। इंदौर से घर गया तो मैंने वहां भी यही किया, खूब सारा खाना डाल लिया, खत्म कर नहीं पाया, तो मेरी मदर इन लॉ बोलती है मेरी वाइफ को कि ये तो खाना बहुत जाया करता है यार बंदा ये। तब से मैंने सीखा यार कि एक्चुअली यहाँ तो पंगा हो सकता है, खाना जाया नहीं करना, तो उतना ही मंगाना है। बीबी के हाथ से खाना नहीं कर सकते हम लोग। हाँ ठीक है भाई साहब, मजा आया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, आप लोग ख्याल रखो। पर आप भी अपना ख्याल रखें। ये जो सात घर सात कमरे जो बनाया घर में तुमने अपने, सात कमरे, सात नहीं है, हाँ फिर जो भी है, चलो इसको भूल गया होगा, आठ होंगे। अरे यार मैंने देवदत्त देवदत्त ट्रॉफी को दिलीप ट्रॉफी बोल दिया यार। हाँ देवदत्त ट्रॉफी था, देवदत्त ट्रॉफी था, मैंने इरफान से पूछो, मैंने कहा था यार तुम्हारा भाई देवदत्त ट्रॉफी वही जहाँ पे भाई साहब कैप्टनशिप कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो मैं बराबर में पिटाई कर रहा था, स्लिप रखा हुआ था 49 नंबर पे। क्या हुआ था किसी और दिन बताया जाएगा।
पर मैंने इरफान को बोला था, मैंने इरफान को कहा था तुम्हारा भाई भाई मैंने कप्तानी करी सामने से खेलते हुए देखा है, इसमें है पोटेंशियल बहुत, और छक्के कैसे मारता है फटलेस, मैंने तुमको बताया था इरफान, याद है जब उसके बाद मुझे बिल्कुल याद है, आप वाहिद ऐसे प्लेयर थे जो इंडिया खेले हुए थे और उन्होंने यूसुफ पठान के बारे में बोला था कि यार तेरा भाई बड़ा तगड़ा प्लेयर है और ये पक्का खेलेगा, ये बहुत जबरदस्त मारता है और सामने मारता है, ये बात भी बोली थी स्पेसिफिकली। हाँ मैंने बोला था, और इरफान जब मैं सीनियर था भाई, तुम जूनियर जब आए थे तो तुम्हें ऐसे सीनियर चाहिए होते हैं जो साथ में तुम्हारे साथ खाना खाए, खाना ऑर्डर करें, उसका धन्यवाद नहीं बोलोगे, एक्टिंग कर दोगे, पर तुमने ये नहीं बोला कि यार मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे सीनियर हमारे सामने थे कि मैंने लोगों ने हमें बताया सिखाया, एग्जाम्पल सेट किया, वो नहीं बोला, खाने में तुमने आमिर खान बोल दिया। नहीं वही तो, वो कब बोला, ये एक्टिंग क्यों की, एक्टिंग कैसे करके क्यों बताई, इतनी क्लोजली क्यों बताई, क्योंकि वो आपके साथ बैठता था, उसका डायरेक्ट ये है ना कि भाई नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोलेगा, ये हम साथ में बैठते थे खाने के लिए। तो अब वो वक्त आ गया जहाँ पे आप खत्म करने के टाइम पे ना तारीफ करते हैं, तो मेहमान तो मैं फिर आपकी तारीफ कर रहा हूँ, देखिए जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बात जरूर मैं बता दूं कि हमारे पेस फाउंडेशन में ये करीबन 2001-2 की बात है जब आप पहली बार आए थे और आप हमारे साथ खाना खाते थे, मैं था, बाबू राव यादव, हरीश पुरी, ये श्रीशांत भी था उस टाइम पे, तो आप सबको साथ में लेके खाना खाते थे, लेकिन हमारे 2-3 लड़कों के साथ आप ज्यादा बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करते थे और आप इंडिया खेले हुए थे, और तो ये चीज देख के बड़ा अच्छा लगता था, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है किसी भी यंगस्टर को, और अच्छा भी लगता है कि भाई इतना बड़ा सीनियर प्लेयर बहुत उसको कोई गुरूर नहीं है किसी चीज का, और बहुत अच्छे से सबके साथ रहता है, और इसलिए दुआ भी लगती है और बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप भी होती है, ज्यादा आप दोस्त बनाते हो। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर थे कि आप नाराज भी हो जाते थे, ऐसा नहीं नाराज होते थे मतलब मुझे याद है, मतलब ये जो तारीफ करी है, ये तारीफ दिल से आई कि जा रहे हैं ऐसी तारीफ करो कि भाई आप सी ऑफ करने वाले, तारीफ कर दो। मैं दिल से ही तारीफ, नहीं, दिल से ही तारीफ करूं। मेरी झूठी तारीफ मुझसे होती नहीं है, मैं ये बात को मानता हूँ कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर थे कि जो हमेशा जूनियर, चाहे हमने यूपी में भी हमने देखा हुआ है कि यूपी की टीम में भी जितने भी यंगस्टर थे सबको आप बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से रखते थे, लेकिन हमारे साथ रिश्ता ऐसा था कि हमने एमआरएफ में टाइम बिताया हुआ था, फिर इंडियन टीम में साथ में आया तो हम हमेशा साथ में रहते थे। उसके बाद हमें ये भी बात है कि एक बार फ्लाइट में आप नाराज हो गए थे थोड़ा संभाल के ये बात भी आपको बोली हुई है ज्यादा बोल रहे हो आजकल लेकिन वो वैसा रिश्ता भी था ना कि आप भी बोल सकते थे कुछ भी, हम भी आपके साथ बेझिझक होकर कोई भी बात कर सकते थे, तो हम तो लकी है कि हमारे ऐसे सीनियर है हमारे साथ, और ये तो मैं मानता हूँ, देखो कि मैं जब क्रिकेट खेला तो मेरे पास ऐसे सीनियर थे जो एक नहीं बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे, और वो सारे जितने भी आप नाम ले लो, सचिन तेंदुलकर जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, अनिल कुंबले इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर, आप राहुल द्रविड़ की बात कर लो, जबरदस्त कप्तान भी थे, बहुत जबरदस्त वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, ग्रेट टीम मैन, बीबीएस लक्ष्मण, आप जितने भी सीनियर प्लेयर के नाम ले लो वो सारे बहुत ज्यादा हेल्प करते थे यंगस्टर्स को। बिल्कुल वो चीज आपने भी देखी और वो चीज आपने पास ऑन भी करी, क्योंकि वो चीज पास ऑन करना भी बहुत बड़ी चीज है, तो हम बहुत खुश नसीब थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। चलो अब जाते जाते मैं एक मिनट लूंगा तुम्हारा, ये हॉस्टल में था ना इरफान, हॉस्टल में बड़ा बड़े ये जूनियर सीनियर काफी रैगिंग होती है, मैं हॉस्टल में था तो मेरे सीनियर जो थे ना वो उन्होंने बड़ी जाओ रोलिंग करो, जाओ वाटरिंग करो, खाना मेस में आप कैंटीन में जाके बाहर सामान खरीद कर लाओ, बड़ी रैगिंग हुई है। जब हम सीनियर हुए ना तो पता नहीं हमने ये डिसाइड किया नहीं है, हम जो हमारे जूनियर उनको हम परेशान नहीं करेंगे, जो मेरे साथ हुआ था हमने जूनियर के साथ कभी नहीं किया, हमेशा उनको बराबर से बात करी, प्यार से रखा। वो हॉस्टल लाइफ से हम सीख के आए थे, वो 92 में गया था हॉस्टल में, वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है बच्चों के लिए, रैगिंग बहुत होती है हॉस्टल में ना, बड़ी रैगिंग होती है। रायना की कितनी रैगिंग हुई है रायना किससे बताता है, वो जब वो भी हॉस्टल में रहता था तो उसके उसके साथ भी, तो उसके बाद आप बाहर निकल के आप इंडिया खेलो लेकिन वो इम्पैक्ट छोड़ जाता है, लेकिन आप जैसे लोगों की जरूरत थी क्रिकेट में भी और हॉस्टल में भी, जिससे फायदा तो वही है हम जैसे यंगस्टर्स को। चलो अब मेरी बेटी वहाँ खड़ी है, मैं जा रहा हूँ सुलाने, वो यहाँ आ गई है, भाभी भी 2-3 बार आ चुकी है, भाभी 2 बार देख के गई है, पर वो चलो उसको तो मना लेंगे, बेटी बेटी नहीं मानती,
तो इरफान बहुत शुक्रिया यूसुफ, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके भाई साहब, और ख्याल रखो, घर में सलाम बोलो सबको, सलाम बोलो, ख्याल रखो, और फिर जल्दी बात होती है। ओके, जल्द बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।